जाने क्यों मेरी दुनिया ठहर जाए, तू जाए तो जाने क्यों तेरा चेहरा नजर आए। वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीहू, और आज दिन है बृहस्पतिवार और डेट है 21 दिसंबर 2023। ठीक है, तो मतलब इतने दिन से सर्दी पड़ रही है मेरे हिसाब से। आप लोग बताना आपकी तरफ कैसे सर्दी पड़ रही है। मेरे हिसाब से कानपुर में पहली सर्दी कड़ाके वाली जो होती है ना, जो एकदम से, तो बस आज पहली सर्दी पड़ी है। बहुत पूरा दिन धूप नहीं थी और पूरा, अभी आपको व्यू दिखाएंगे, ब्लॉग बने रहिएगा, पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे, कितना कोहरा कितना ठंड पड़ रही है, सब बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरा देखते हैं, वॉच करिएगा और लाइक पहले कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, देखने के बाद छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ले स्टार्ट है। तो फैमिली, ये मैंने ना एक अंगेठी, इसका ना ऊपर का ये टूटा हुआ था भगोना रखने वाला जैसे कि, तो मैंने इसको बनाया और थोड़ा सा रिपेयर करा, थोड़ी सी ख़राब सी भी हो गई थी ना, तो आज मैंने इसको ठीक किया ताकि अच्छे से इसके ऊपर तावा है या कोई बर्तन रखने में आसानी हो जाए। तो ये सब लकड़ियां हैं, यही हम रात के समय तो खाना इसी पे ही बनाते हैं। और ये देखिए, ये ना इसमें हाथ सेकने के लिए, जब उससे जब अंगारे बन जाते ना, तो अंगारे इसमें निकाल के रख लेते हैं। ये मटकी को काट के नीचे से मटकी ज्वाइंट करके आग डालकर हाथ सेकने वाला नहीं होता जैसे मिट्टी का बनता है, वैसे ही मैंने इसको बना दिया है। और ये मेरे बगल में रहती हैं, ठीक है, तो उन्होंने बनाई है ये हाथ सेकने वाला, केवल मिट्टी से बनाया है, इसमें कुछ नहीं लगाया। और ये चूल्हा बनाया है, नीचे वाला भाग बनाया है और ऊपर से चूल्हा, देखिए अच्छा लग रहा है ना। मैंने नहीं बनाया, बगल में रहती है ना उन जो नहीं नानी को दिखाया था, उनकी बेटी ने बनाया है अपने घर में खाना वाना बनाने के लिए। और ये देखिए धनिया हमारी निकल आई है, और ये देखिए दिख रही है ना, जो बीच से धनिया थी दिखाया था मैंने पहले वीडियो में, आपने देखा होगा, अब इसमें धनिया बहुत अच्छे से निकल आई है और सब में धनिया निकल आई है, और अच्छे से धनिया निकल रही है, बढ़िया बढ़िया। अब बड़ी होगी ना तब इसकी बढ़िया से सब्जी में डालेंगे, चटनी पीसेंगे। और आप लोग भी आना, ले जाना धनिया, एक आध किलो तो ले जाना। और यहाँ पर देखिए टमाटर भी निकल रहे, निकलने का अब हो रहा है, इसमें देखिए कली निकल आई है, फूल निकलेगा अब। और टमाटर भी आइएगा, ज़रूर आइएगा, टमाटर भी ले जाइएगा। और यहाँ पर गन्ना भी निकल रहा है, ठीक है, तो गन्ना भी ले जाइएगा आप लोग। और फिर हम लोग चाय वाय पिए, उसके बाद मैंने दाल सीधे चढ़ा दी थी, और अरहर की दाल ये बनाई है, इसमें तड़का लगाना है। और अरहर की दाल बन चुकी है, जो कि मैं शाम को चूल्हा जलाती हूँ और बना लेती हूँ। तो अब चलो तड़का लगा लेते हैं, और जो अंगारे निकले थे ना तो उसी में मैंने डाल दिए थे अंगारे, और इसी पर कढ़ाई रख के, छोटी सी कढ़ाई है, इस पर तड़का ही लगाते हैं हम लोग, तो तड़का इसी में कर लिया ताकि अच्छे से हो जाएगा। और आग भी धीमी धीमी हो गई क्योंकि निकाल लिया था, अब इसमें चावल भी बन चुका है, बस देखिए धीमी आँच है, बहुत अच्छे से बन गया चावल। और यहाँ पर हम ना अभी रोटी बना रहे हैं, आटा पहले गूंद के रखा था, अभी फिर आग थोड़ी सी तेज़ कर दी, और देखिए कितनी बढ़िया जल रही है। और वो मैंने बनाया ना तो कितने अच्छे से रखा भी है तावा, इस पर कोई भी बर्तन रख दो तो आराम से आ जाता है। और इस पर मैंने ना रोटी भी सेकनी स्टार्ट कर दी है, और रोटी भी बहुत अच्छे से बन जाती है, जब थोड़ी सी लौ धीमी कर लो तो अच्छे से बन जाती है। देखिए कितनी बढ़िया सी फूली फूली सी बढ़िया सी रोटी बन के तैयार हो गई है, ऐसे ही बना लेती हूँ मैं रोज़ रात में, मतलब शाम के समय। और हमारे एक बिल्ली आती है, बिल्ली का बच्चा है, छोटा सा है, जो कि पाला नहीं है लेकिन वो हिल गई है, वो डेली रात में आती है और यहाँ से रोटी खा के जाती है, एक रोटी डेढ़ रोटी खा लेती, जब भूख जितनी भूख रहती ना उतनी वो खा के जाती है। अभी छोटी है ये, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है और पाला नहीं है, बस हिल गई है, तो रोज़ आती है डेली। और इस समय शाम के समय ना जैसे अंधेरा होता है, आज तो बहुत ठंड है जैसे मैंने आपको बताया, तो बस कानपुर में आज के दिन से ही ठंडी ज़्यादा स्टार्ट हुई, ठंडी तो स्टार्ट हो गई थी लेकिन आज
अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो शाम को ही ना इनको अंदर कर दिया था, बिल्कुल बादल था, और इनको ना किचन में जो गैलरी बनी ना वहीं पर ही इनको अंदर रखते हैं और बाहर नहीं रखते इनको। और ये देखिए खरगोश मंगू और हमारे क्यूटी और क्यूटू बैठे हुए हैं दोनों, और ऊपर से कपड़े से ढक देते हैं। और यहाँ पर हमारा चिंटू, ये देखिए चिंटू क्या कर रहा है, और चिंटू मज़े से सो रहा है, मुंह को बाहर निकाल कर आँखें बंद कर रहा है, बढ़िया पिंजरे में टेक लगा के सो रहा है और मज़े से सोने में लगा हुआ है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वीडियो भी बन रहा है। और यहाँ पर ऐसे इस तरह से हम रख देते हैं, और चिंटू तो हमारे तखत के नीचे रहता है। और यहाँ पर पापा को खाना दे दिया है, और वही जो जिसमें आग सेकते हैं ना, तो इसको उठा के अंदर रख लेते हैं, जितनी अग्यार मतलब अंगारे होते हैं ना उसको उठाकर इसमें डाल लेते हैं और फिर इसको अंदर ले आते हैं। और जब तक हम लोग खाना वाना खाते हैं तो बढ़िया हाथ वाथ सेकते हैं। आज पीयूष ने पहले ही खा लिया था तो सो गया है पीयूष, आयुष बाद में खाएगा हम लोग के साथ। ये देखिए 9:21 हो गया है, और यहाँ पर चलते हैं आपको दिखाते हैं जब तक पापा खाना खा चुके हैं, खा के अपना बैठेंगे, जब तक हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाहर का व्यू देखिए 9:21 हुआ है, 9:25 ऐसे ही हो रहा होगा, और बिल्कुल सन्नाटा क्योंकि ठंड आज बहुत है। अब देखिए आयुष दिखा रहा है आपको कि कोहरे में देखिए कैसे लाइट बिल्कुल धुंधली दिख रही है, कितना कोहरा, बहुत कोहरा है ये देखिए, और बिल्कुल ठंडा, इतना ठंडा ठंडा। वैसे निकलते नहीं आज, हम 2-4 दिन बाद निकले, आज निकले तो आज इतना ठंडा। चलिए आपको दिखाते हैं, और ये देखिए लाइट से जो ना पार्क है ना, इसको टिल्लेली पार्क बोलते हैं, पार्क है ना उसका खंभा तक नहीं दिख रहा था। आयुष आगे आगे जा रहा था, ये देखिए जो खंभा है ना उसमें 1858 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है। और ये देखिए आयुष पे गया, दिख नहीं रहा कितना दूर, इतना इतनी दूर नहीं है, लेकिन कोहरा बहुत है आज, कोहरा बहुत है, गलन बहुत है। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आयुष आ रहा है वापस, और मैं और आयुष है, पीयूष तो सो रहा है, हम दोनों ही निकले हैं आपको रात का व्यू दिखाने। बहुत सन्नाटा, कोई नहीं टहल रहा था, एक टहल रही थी कोई आंटी जी। और यहाँ पर बता एक जगह बहुत प्यारा सा फूल लगा था, गार्डन में फूल लगे थे बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे, और बता दिन में देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, रात में मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। देखिए आपको विश्वास नहीं है, आयुष के मुँह से देखिए कितना धुआं निकल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं, और आग अभी भी जल रही है थोड़ी थोड़ी, अभी बुझ जाएगी अपने आप। अब इसकी आग थोड़ी और भी डाल लेंगे इसमें, वही जिसमें हम लोग हाथ सेक रहे थे। और यहाँ पर आयुष पीयूष के पापा भी आ चुके हैं ड्यूटी से, जूते उतार रहे हैं, ठीक है। और देखिए और कुछ सब्जी वगैरह भी लेके आए, और आ गए अंदर, आप लोगों से हाय भी बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, हाय बोल रहे हैं आप लोगों से। और चलिए देखते हैं क्या लेके आए सब्जी में। सब्जी में आया है मूली, मूली किसको किसको पसंद है, मूली तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, मतलब नहीं खाती रात में। और ये प्याज, और नया वाला आलू, और क्या है, अमरूद आया है, क्योंकि अमरूद मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी सबको पसंद है वैसे, अमरूद खाना अच्छा होता है और खाना चाहिए, सर्दी के दिन में अमरूद बढ़िया होता है। और टमाटर, हरा मिर्च, ये सारी चीज़ें आई हैं, और इधर चल रही है आ गई। तो गाइस घर आ चुके हैं, और ब्लॉग क्या नाम है यहीं पे डी एंड करेंगे, और बहुत ठंडी है भैया बाहर, आप लोगों के लिए गए थे, वैसे भी हम लोग टहलने जाते हैं कभी कभी जाते हैं, लेकिन आज बहुत ठंडी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ आज ठंड कैसी और कैसा कोहरा वोरा पड़ रहा है, तो व्यू दिखाने के चक्कर में और गए थे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। तो आप लोगों को दिखाने की वजह से मैं बाहर गई थी, और अब हम लोग भी खाना वाना खाएंगे, और आयुष पीयूष के पापा भी आ गए हैं बाथरूम में, मुँह हाथ धुल रहे हैं, और फ्रेश होके आते हैं, फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। आप लोग भी खाना खाइए, अगर आप रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, और मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और दिन में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून,
शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो सभी सभी टाइम के लिए आपको बोल दिया है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो, पसंद तो आएगा ना, आएगा ना, तो आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बना मत जाइए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर करिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, और सर्दी बहुत स्टार्ट हो गई है, और अपना ख्याल रखिएगा जाते जाते, अपना ख्याल रखिएगा और मम्मी पापा ख्याल रखिएगा और जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिएगा, ओके फैमिली, और ऐसे ही आप सीखते रहिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।